बैक टू माई चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको पता है मैं हर बार बोलती हूँ कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। सो आज का जो टॉपिक है इट इज गोइंग टू बी अबाउट ऑयली स्किन। सो यस, मैंने आज का जो टॉपिक रखा है कैसे आप ऑयली स्किन से आप अपनी स्किन को क्योर कर सकते हैं, बच सकते हैं। ऑयल यानी कि जो हमारे स्किन पर ऑयल होता है, इसका मतलब क्या होता है कि ऑयल मतलब ये नहीं कि ऑयल मतलब जो ऑयल निकल रहा है, एक्चुअल वो इंटरनली आपका जो प्रोडक्ट अंदर से सीबम निकलता है, जितना सीबम हमारे स्किन पर आता है, सीबम से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। ऑयली स्किन वालों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। ऑयली स्किन का एक बेनिफिट ये है कि आपकी स्किन यंग रहती है, क्योंकि उसमें ऑयल रहता है तो आपको जल्दी रिंकल्स नहीं आते हैं, जल्दी फाइन लाइन्स नहीं पड़ती है। इसका ये बेनिफिट है आपकी अगर स्किन ऑयली है। बट ऑयली स्किन वालों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता है, जैसे कि एक्ने की प्रॉब्लम, जैसे कि आपको हर टाइम आप कोई भी मेकअप लगाते हैं तो बहुत जल्दी ऑयल आपके फेस पे आ जाता है, शाइन ओवर शाइन करने लग जाता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि आपको एक्ने का फेस करना पड़ता है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो क्या करना चाहिए कि मेरी भी कॉम्बिनेशन स्किन है, ऑयली स्किन एंड ड्राई स्किन दोनों। तो मोस्टली क्या करना चाहिए ऑयली स्किन वालों को, सबसे पहले तो हमें ये पता है कि मैक्स टू मैक्स ट्वाइस और थ्राइस टाइम अपना फेस वॉश इन अ डे करना चाहिए, सो दैट आपकी स्किन से एक्सेस ऑयल कम हो जाए, हट जाए, जो डर्ट होती है वो निकल जाए। क्योंकि ऑयली स्किन होने के साथ साथ अगर समर्स की बात करें तो हमें स्वेट बहुत ज़्यादा होता है, हम मेकअप प्रोडक्ट लगाते हैं वो सब कुछ ऑयल के साथ हमारी स्किन पे ही ऑब्जर्व हो जाता है। क्योंकि अगर हमारा स्वेट निकल रहा है या हमने प्रोडक्ट यूज करे हैं वो हम स्वेटिंग के थ्रू और सीबम भी निकल रहा है और उसको वॉश नहीं कर रहे हैं, तो वो अंदर सीबम निकलता है और जो प्रोडक्ट होता है वो सारा ऑब्जर्व अंदर फिर से पोर्स में आपके चला जाता है, जिससे कि हमें ऑयल हमारे ब्लॉकेज की प्रॉब्लम आ जाती है, जिससे हमें एक्ने फेस करना पड़ता है। और मेकअप भी एक बेनिफिट ये है कि जिनकी स्किन ऑयली होती है उनकी स्किन पर मेकअप बहुत अच्छे से ऑब्जर्व हो जाता है, अच्छा लगता है, शाइन करता है। बट वही है ना, किसी चीज़ की अगर बेनिफिट है तो उसका आपको प्लस पॉइंट है तो माइनस पॉइंट भी जरूर होते हैं। तो गाइज आज की इस वीडियो में यही बताने वाली हूँ कि किन किन तरीकों से आप ऑयली स्किन को आप अपने फेस की जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे छुटकारा पा सकते हैं या उन्हें कम कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात आपको यही है कि आपको वॉश करना है अपना फेस 2 times or 3 times जब भी आपको मौका मिले। और सेकंड मैं आपको ये बताऊंगी कि जैसे आप मॉर्निंग में उठते हैं, क्योंकि नाइट में हम लोग सोए होते हैं तो हमारी स्किन सबसे ज्यादा वर्क करती है, और हमारी स्किन पे जो भी हमने नाइट के जो प्रोडक्ट यूज करे होते हैं, मॉइस्चराइज लगाया होता है या कोई क्रीम या सीरम लगाया होता है तो वो वर्क करता है, लेकिन वो हमारे मॉर्निंग में जब हम उठते हैं तो वो सीबम बाहर निकल जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल निकलता है। तो हमें ये नहीं करना है कि उठने के बाद बहुत देर बाद फेस वॉश करना, नहीं, उठ के फटाफट से आपने ब्रश किया, ब्रश करने के बाद आप अपना फेस वॉश कर लीजिएगा, सो दैट वो सीबम हमारे स्किन पे अंदर ऑब्जर्व ना हो और हमें एक्ने की प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए हमें फेस वॉश करना है। सेकेंड मैं आपको ये बता दूं कि जो भी आप फेस वॉश यूज कर रहे हैं, मेक श्योर आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्किन ऑयली है तो कितनी ज्यादा ऑयली है, ड्राई है तो कितना ड्राई, उसमें ज्यादा ड्राई है या कॉम्बिनेशन है तो कितना है, उसके अकॉर्डिंगली आपको अपना फेस वॉश चूज करना चाहिए। जैसे मेरी अगर मैं कहूँ कि मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है और ऑयल ज्यादा निकलता है, सो मुझे एक्ने की प्रॉब्लम हो जाती है बिकॉज ऑफ ऑयली स्किन एंड सीबम ज्यादा बनता है। तो इसलिए मैं जो प्रोडक्ट यूज करती हूँ फेस वॉश के लिए, जो मैं प्रोडक्ट यूज करती हूँ वो है मेरा सैलिसिलिक एसिड बेस्ड वाला। तो गाइस जिसकी भी स्किन ऑयली होती है ना, सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप सैलिसिलिक एसिड जिसमें इंक्लूडेड हो इंग्रेडिएंट में, आप वो फेस वॉश यूज करें, सो आपको एक्ने की प्रॉब्लम भी कम रहेगी, आपके सीबम भी निकल जाएगा उससे फेस वॉश करने से। और मेक श्योर आप जो भी आपकी स्किन टाइप है उसके अकॉर्डिंगली आप अपना फेस वॉश यूज कर रहे हो। नंबर थर्ड मैं ये बताऊंगी कि आप एक तो सैलिसिलिक एसिड वाला जो फेस वॉश यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने फेस वॉश लिया, लगाया और फेस वॉश कर लिया फटाफट से, तो वो वर्क नहीं करेगा। कोई भी आप फेस वॉश यूज करते हैं एक्स वाई जेड, पर आपको ख्याल इस बात का रखना है कि आप जब भी कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, जैसे ऑयली स्किन है तो आप अगर कोई फेस वॉश यूज कर रहे हैं तो आपने लगाया और धो दिया तो वो वर्क कैसे करेगा, वो अंदर तो गया ही नहीं। तो आपको थोड़ा सा लेना है, फिंगर टिप्स पे रब करना है, देन उसको लगाना है, लगाने के बाद लाइट हैंड से आपको रब करने के लिए उसको लाइट हैंड का यूज करना है, एंड देन आपको 30 seconds, 1 minute के लिए एज इट इज उसको ऐसे रहने देना है, सो दैट वो अंदर तक वर्क जाए, अंदर से डर्ट हटाए, अंदर से सीबम जो आपका बना हुआ है उसे हटा सके। तो उसको ऐसे ही रहने देना है, तब तक आप अपना फोन चला सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं जो आपको मन करे।
जैसे ही 30 सेकेंड या 1 मिनट हो जाता है उसके बाद आप अपने फेस को वॉश करेंगे जब पानी से ही, तो पानी से वॉश करते रहते लाइट हैंड से उसको क्लीन भी करते रहना है एंड देन अच्छे से फेस वॉश करना है। यही चीज आपको 2 से 3 बार करना है इन अ डे ऑयली स्किन वाले। और साथ में आप मैं ये बोलूंगी कि ऑयली स्किन है तो आपको तला भुना जितना भी जंक फूड होता है या मैदे वाले प्रोडक्ट होते हैं, मैदा वाला जो भी जितना भी खाना होता है, उन सबको कम करना है। ऑयली खाना कम खाना है। जितना हम हेल्दी एंड फाइबर वाला खाएंगे स्किन इतनी अच्छी रहेगी, जितना हम ऑयली खाएंगे तो और ऑयल निकलता है जिसकी वजह से और ऑयल के कारण आपको एक्ने या ऑयलपन का जो फेस करना पड़ता है वो ज्यादा बढ़ जाती है उसकी मात्रा, तो आपको वो भी कम से कम करना है। वंस इन अ वीक चलेगा और आप हफ्ते में 2 बार खा सकते हो, लेकिन रोज नहीं खाना है आपको। मेक श्योर रहना कि आप अच्छा खा रहे हो, अच्छा इनटेक कर रहे हो। नेक्स्ट अगर मैं फेस पैक की बात करूं तो आपको पता है कि आपकी ऑयली स्किन है तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, मैं बताऊं आपको DIY के अकॉर्डिंगली। अगर मैं आपको सजेस्ट करूं फेस वॉश तो मैंने बता दिया आपको, या फेस पैक अगर आपको यूज करना है तो क्ले फेस मास्क भी यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे आजकल मार्केट में आए हुए हैं जो आपके स्किन से एक्सेस ऑयल को कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। और सैलिसिलिक एसिड वाले फेस पैक यूज कर सकते हैं, टी ट्री ऑयल वाले यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर DIY की बात करूं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि मुल्तानी मिट्टी सबसे बेस्ट है अगर आपकी स्किन ऑयली है। मुल्तानी मिट्टी लीजिए, उसको अच्छे से मेल्ट हो जाए जब वो पानी में। हाँ, मुल्तानी मिट्टी का मोस्टली सबको पता है, लेकिन मैं आपको इसमें ये बताना चाहूंगी कि जिसकी ऑयली स्किन है उसको पानी उसमें मिलाना है मुल्तानी मिट्टी में, एंड रोज वाटर जो भी आपके पास है वो मिला के उसको पूरे फेस पे लगाना है। और उसको फिर जब तक वो ड्राई हो जाता है 20-25 मिनट्स तक उसको ऐसे ही छोड़ देना है। और लेकिन इसमें ये है कि जब भी आप फेस पैक लगा रहे हैं इसका मतलब नहीं कि आप किसी टेंशन में हो या बातें कर रहे हो, आपको चिल मानना है, आपको लेट जाना है ताकि वो अच्छे से वर्क करे आपके फेस पर। और फोन पे अगर आप कुछ देखना है तो वो देख सकते हैं, लेकिन इस तरह से 15 से 20 मिनट आपको अपने लिए निकालना है। और सबसे बेस्ट है कि आपकी स्किन से जो ऑयल रिड्यूस करता है मुल्तानी मिट्टी बहुत अच्छे से वर्क करता है। आपकी स्किन से सारी डर्ट भी क्लीन कर देता है। जब भी आप कभी मुल्तानी मिट्टी लगाते तो आप देखेंगे आपका फेस आफ्टर वॉश बहुत क्लीन एंड ऐसा लगता है बहुत, मतलब अंदर से डर्ट निकल गई है पूरी। तो यस, स्वेटिंग की प्रॉब्लम भी होती है, वो भी निकल जाता है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि सबसे बेस्ट, मेरा हर वीडियो में अगर मैं स्किन से रिलेटेड बात करती हूँ तो मैं हमेशा बात करती हूँ आइस क्यूब की, क्योंकि वो बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा उसमें प्लस पॉइंट होते हैं। तो जिसकी ऑयली स्किन है, जिसको स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है, तो आप आइस क्यूब ले सकते हैं अपने फेस पे बिफोर बेड, और मॉर्निंग में उठ के अपने फेस पे रब करेंगे उसको 2 से 3 मिनट के लिए। और अगर आप रब नहीं कर सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा ठंडा लगता है, तो एक काम कीजिए, एक बड़ा सा बॉल लीजिए, उसमें ठंडा पानी, बर्फ वाला पानी डाल दीजिए और अपना फेस डिप करें जितने देर तक आप कर सकते हैं, एंड देन फिर निकालिए, फिर रिपीट कीजिए, फिर करिए कम से कम ऐसा आपको 10 से 20 बार, 10 से 15 बार आपको ये रिपीट करना है। क्योंकि मॉर्निंग में सबसे पहले अगर आप अपने फेस को ठंडे पानी से वॉश करते हैं ना, तो बहुत अच्छा असर करता है वो, बहुत स्किन आपकी ग्लो करती है, आपकी स्किन से आपको स्वेटिंग की प्रॉब्लम बहुत कम हो जाती है, आपके स्किन से ऑयल की प्रॉब्लम कम हो जाती है। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट मैं बोलूंगी, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आपको पानी का इनटेक बहुत ज्यादा करना है। पानी यानी कि लिक्विड, पानी तो पीना ही पीना है, आपको पता है 8 से 10 ग्लास तो पीना ही होता है, लेकिन लिक्विड साथ में आपको ज्यादा से ज्यादा इनटेक करना है, सो दैट आपकी स्किन से जो ऑयल निकल भी रहा है तो आपकी स्किन को हार्म ना कर रहा हो। तो आपको ज्यादा से ज्यादा लिक्विड लेना है जो इंटरनली आपके स्किन में अच्छे से वर्क करेगा, जिससे सीबम की जो प्रॉब्लम होगी वो थोड़ी कम हो जाएगी और ऑयली स्किन से आप छुटकारा पा सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी ऑयली स्किन का ख्याल रख सकते हैं। लेकिन मेक श्योर ऐसा ना हो कि आप सोच रहे हो कि ऑयली स्किन है तो भाई रात को मॉइस्चराइजर नहीं लगाना है, हमारे तो ऐसे ऑयल निकलता है, मॉइस्चराइजर लगाएंगे तो वो और ऑयली हो जाएगी। नहीं, मॉइस्चराइजर तो इट्स लाइक जैसे आपको जीने के लिए पानी चाहिए ना, पीने के लिए, बिना पानी के आप नहीं रह सकते। तो इट्स लाइक सेम, मॉइस्चराइजर आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी स्किन को हाइड्रेट रख रहे हैं। चाहे आपकी ऑयली स्किन है, चाहे एक्ने प्रोन है, चाहे ड्राई है, कॉम्बिनेशन है, कोई भी स्किन है आपकी, नो मैटर, आपको मॉइस्चराइजर यूज करना ही करना है, क्योंकि वो इंटरनली वर्क करेगा, आपकी स्किन ग्लो करती है, रिंकल्स नहीं आते, फाइन लाइंस नहीं आती है, बहुत सारी प्रॉब्लम से आपको बचाता है। तो यस, दैट्स ऑल इट फॉर टुडे। फॉर ऑयली स्किन के लिए यही था मेरे पास, और नेक्स्ट इसी तरह आप अपने मुझे टॉपिक्स बताते रहे, मैं वीडियो लाती रहूंगी। एंड टिल देन इस वीडियो को एंजॉय करें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, हिट द बेल आइकन। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।